जाने दो गाइस। सो ये वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके कि आज का ट्यूटोरियल कौन सी कंटेंट को बनने वाला है। जी हां दोस्तों, चार ऐसे एंड्रॉइड मोबाइल का सेटिंग्स जो आपको खोखला कर देगा अगर आप सटीक समय पर उसको ऑफ या पॉज ना किए। जी हां दोस्तों, आजकल इस डिजिटल युग के दौरान हैकर्स और फ्रॉड का मामला ऐसा बढ़ चुका है ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, यानी हमारे जो दुस्सपने हैं उससे भी बाहर हो चुका है। तो हम लोगों का मेहनत का फल कमाया हुआ जो पैसा रहता है या कुछ और रहता है, या हम लोग गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं या प्राइवेसी किसी भी रिजॉर्ट में जाते हैं, तो हम लोगों का डाटा भी लीक हो सकता है, हम लोगों का मनी भी फ्रॉड हो सकता है। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए क्योंकि सारा कुछ हमारे फोन में ही रहता है। तो आप आपके फोन को सेफ रखो, और सेफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपके इस भाई के वीडियो को विदाउट स्किप करके फुल्ली वॉच करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आप लोग इंट्रो आउट्रो छोड़ के बीच का फंडा देखते हो, तो इंट्रो आउट्रो नहीं सीखोगे तो बीच का फंडा क्या देखोगे। जो देखना है ध्यान से देखो, क्या कह रहा हूं उसमें गौर करो, तो आप लोग अच्छे से सीख पाओगे और किसी दूसरे को भी सिखा सकते हो। सो चलो यार, चार ऐसे एंड्रॉइड के सेटिंग्स को जो है हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग की प्राइवेसी हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेव करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त और आप सभी का फिर से बहुत से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुके हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस, पर्सनलाइज्ड एड्स को ऑफ कर रहे हैं। ये क्या है गाइस? देखो गाइस, हम लोग कभी कभार फ्लिपकार्ट में अमेज़न में शॉपिंग करते वक्त हम लोग वो चीज देख लेते हैं जो चीज हम लोग ब्राउज करते हैं, या हम लोग किसी दोस्त से बात करते हैं, कुछ ही टाइम बाद गूगल में कोई भी सर्फिंग का काम या ब्राउजिंग का काम करते हैं तो उसी टाइप के एड्स देख लेते हैं, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं ये क्या है यार। तो भाई लोग, वो स्मार्टफोन है, यानी आपके दिमाग से भी कहीं ज्यादा गुना उसका पावर है सोचने में। ये स्मार्टफोन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये आपसे भी बहुत आगे तक सोचता है, ठीक है ना। तो आप किसी से बात करते हो या आप कोई एप्स को एक्सेस करते हो तो उसका सारा डाटा हमारे एंड्रॉइड फोन सुनता रहता है और उसी को एक्सप्लेन कर देता है हम लोग के सामने। तो ये बहुत ही बुरा चीज है, इसको गाइस आपको ये रोकना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस, आप सेटिंग में जाओ, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा गूगल में, गूगल में आओ, ठीक है। उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पर देखो माय एड सेंटर, पर्सनलाइज्ड एड्स ऑन गूगल, इसको जो है ऑफ कर देना है परमानेंटली, ताकि आलतू फालतू की चीज हम लोगों को शो ना करे, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ है जो जो आपने कहा था या पका था, ठीक है। सिंपली से इसको ऑफ कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका ये सर्विस, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आता है गाइस सेकंड वाले जो टर्न ऑफ करना है, सेंसिटिविटी नोटिफिकेशन। गाइस सेंसिटिविटी नोटिफिकेशन क्या है? गलती से आपका ईमेल आईडी, अगर आपके दोस्त वाले जो दुश्मन होता है ना, जो हमारे पीठ पीछे बात करने के लिए हरदम तैयार रहता है, यानी क्लोजी रिलेशन है लेकिन मन ही मन में आपको खोखला करना चाहते हैं, तो वो अगर गलती से आपका जीमेल आईडी उसके मोबाइल में या कंप्यूटर में डाल दिया, तो वो आपका बैंक का ओटीपी, यानी आपके मोबाइल में जो सिम रहेगा, सिम से जो बैंक कनेक्ट रहेगा, उसका ओटीपी, आपके मैसेज, आपके प्राइवेसी डेटा सब कुछ चोरी कर सकता है या देख सकता है। तो इससे आपको कैसे बचना चाहिए? तो सबसे पहले आप चले जाए सेटिंग वाले ऑप्शन में, सर्च कर दीजिए सेंसिटिविटी, SENSI सेंसिटिव, जस्ट ये लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ये देखो नोटिफिकेशन, सेंसिटिव नोटिफिकेशन, ठीक है। शो सेंसिटिव कंटेंट व्हेन लॉक्ड, ठीक है। सो ये जो है सेंसिटिव नोटिफिकेशन, इसको जो है टर्न ऑफ कर दीजिए परमानेंटली, ठीक है। ये आ गया। अब जो है नियर बाय सर्च, ये नियर बाय सर्च क्या है? ये नियर बाय सर्च के बदलो कोई भी हैकर्स का शिकार भी हो सकते हो आप लोग, क्योंकि हमारे ब्लूटूथ वाईफाई ये ऑन रहता है, इसको भी ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये कंटेंट में नहीं दिया फिर भी आप लोग बोल देता हूँ ब्लूटूथ वाईफाई भी ऑफ कर दीजिएगा। इसी तरीके से नियर बाय सर्च भी एक वाईफाई ब्लूटूथ का ही फंक्शन है, इससे आपको कोई भी हैकर हैक कर सकते हैं आपके मोबाइल को, तो इसको भी ऑफ करना है ताकि आप कोई हैकर के शिकार में मत आओ। सेटिंग में जाना है, यहाँ पर सर्च कर देना है नियर बाय, NERBY, कहीं पर जाना नहीं, जस्ट सर्च कर देना है नियर बाय डिवाइस, नहीं नियर बाय कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आइए, फाइंड नियर बाय डिवाइस वाईफाई, इसको जो है ऑफ कर दीजिए, जस्ट यही करना है आप लोगों को। और फाइनली फोर्थ नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट आता है लोकेशन हिस्ट्री। क्या आपको पता है कि आप जब भी कहीं भी जाते हो तो लोकेशन आपके ऑन रहता है? गूगल को पता है कि आप कौन से लोकेशन में कहां गए, किससे बात कर रहे हैं, उसका लोकेशन किधर है, उसको कौन फोन किया है, उसको कौन से सर्वर से मेल आया, मैसेज आया, सारा का लोकेशन हिस्ट्री गूगल को पता रहता है। ये बहुत ही बुरा चीज है, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे प्राइवेसी डाटा किसी थर्ड पार्टी पर्सन को पता चले, चाहे वो गूगल हो या हमको संभालने वाला हमारे कोई निजी वाला दोस्त हो जाए। तो इस लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ करना है। फर्स्ट गो सेटिंग्स, सेटिंग में चले जाओ, उसके बाद गूगल में चले जाओ, सिंपली से आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैनेजर गूगल, ठीक है। डाटा एंड प्राइवेसी, यहाँ पर आपको ढूंढना है लोकेशन हिस्ट्री, ये जो है लोकेशन हिस्ट्री, इसमें चले जाओ सिंपली से, इसको जो है टर्न ऑफ कर दीजिए, एकदम टर्न ऑफ, जस्ट ये ओके, वही आ गया।
लोकेशन हिस्ट्री इज पोस्ट, ठीक है, जस्ट ये चारों सेटिंग कर देना तो आप एकदम सेफ हो गए। तो आशा करता हूँ इस ट्यूटोरियल को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा होगा, गौर करके देखा होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज गाइस वीडियो की लाइक कीजिए, वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ के मार के अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि उन सभी भी अपने प्राइवेसी को सेफ रख सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। तो आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिल जाए। तो फिर मिलते कल और एक धुआंदार कोने ले आकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, पद मातरम, बाय, टेक केयर, सी यू सून।